गाइज आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है वो ओपन नहीं हो रहा है या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो गाइज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 5 प्रोसेसेस बताऊंगा। अगर बाय द वे पहला प्रोसेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस को अप्लाई करना है। अगर सेकंड प्रोसेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे थर्ड प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। वो यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रीस्टार्ट करने से भी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एज को चेक करना है, ओपन करके चेक करना है कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं, ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि या परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इसे अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद अब आप वहां पे अपने विंडोज के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद और आप यहां पे लेफ्ट की ओर देखोगे यहां पे आपको एप्स का आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस एप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। एप्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे मॉडिफाई का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज को अपना रिपेयर करना है। और मैं आपको बता दूं कि रिपेयर करने से पहले अगर आपके आपके सिस्टम में आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है तो आप उसे पहले कनेक्ट कर लीजिएगा, तब जाकर आप यहाँ पे इसे रिपेयर कीजिएगा। और रिपेयर करने के बाद रिपेयर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को वापस से एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इन केस अगर ये प्रोसेस अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ओपन फाइल लोकेशन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, एप्लीकेशन दिख रहा होगा, तो आपको इस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना है और इसे रीनेम कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक कर मैं इसे रीनेम करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे इसे रीनेम कर ले रहा हूँ। रीनेम करने के बाद अब आपको यहाँ पे रीनेम में आपको यहाँ पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एज, मेरा यहाँ पे अभी फिलहाल टाइप है, तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज 1 यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे इंटरफेस कर देना है। और यहाँ पे मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ये एप्लीकेशन है यहाँ पे कम्प्लीटली रीनेम हो जाएगा। रीनेम हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्रिएट शॉर्टकट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस क्रिएट शॉर्टकट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यस और आपको अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है और आपको इसे क्लोज कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएगा। ये जो न्यू शॉर्टकट्स है जो यहाँ पे अभी फिलहाल क्रिएट हुआ है और ये जो ओल्ड शॉर्टकट्स है जो आपका ये है, तो आपको करना क्या है कि आपको इस ओल्ड शॉर्टकट्स को आपको इसे डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे जो आप न्यू शॉर्टकट जो क्रिएट किए थे माइक्रोसॉफ्ट एज का, तो आपको अब इसे ओपन करना है और ओपन करके चेक करना है कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं, ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं या परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इन केस अगर ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद अगर बाय द वे मान के चलिए कि आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे लार्ज आइकन्स कर लिया हूँ। लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का एक ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है।
और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रिस्टोर का यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर करना है। और जिन लोग को नहीं मालूम है कि रिस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बता दूँ कि रिस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है, वो एक दो दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो भी डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, यहाँ पे जो विंडोज़ है, वो उतने दिन ही आपके पास्ट में चला जाएगा। जैसे मान के चलिए कि जो ये प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट एज से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम आपका आज आया है, टुडे आया है, और यस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था, तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो एक दो दिन पीछे जाएगा, पास्ट में जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम जैसा भी था एक दो दिन पीछे, वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट एज में प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 29/01/2023। तो आपको करना क्या है कि हो सकता है आपको यहाँ पे 3-4 आपको और भी डेट आपके यहाँ पे शो हो, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपके यहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ, इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि यहाँ पे मेरा सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं तब भी इसी डेट को सिलेक्ट किया हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसे नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे आपको सी ड्राइव को अपना सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा। मैंने जितना जो भी डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो उस डेट में आपका जो सिस्टम है उस डेट में आपका सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो ये प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट एज से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। अगर इन केस अगर इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बता दूंगा कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको अपने पीसी को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सी ड्राइव में चला जाता हूँ, सी ड्राइव में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यूजर्स का आपको यहाँ पे फोल्डर शो होगा, तो आपको इस यूजर्स वाले फोल्डर में चले जाना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, दो फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, पब्लिक का और यहाँ पे मेरा जो यूजर नेम है उस नेम का यहाँ पे आपको फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में इंटर कर जाना है। इस फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऐप डाटा के नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस व्यू वाले ऑप्शन पे चले जाना है। व्यू वाले ऑप्शन पे जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हिडन आइटम्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद जितने भी हिडन फोल्डर होंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ऐप डाटा का आपको यहाँ पे फोल्डर जो है ये शो हो रहा है, ये मेरा हाइड था, अब ये मेरा अनहाइड हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि अब आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको इस लोकल वाले फोल्डर में चले जाना है। लोकल वाले फोल्डर में जाने के बाद और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट नेम के नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट नेम का आपको यहाँ पे फोल्डर, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। इस फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एज का नेम का आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एज का फोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक कर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो मेरा फोल्डर था, एक का जो फोल्डर था यहाँ पे कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। अगर इन केस अगर आपका ये फोल्डर डिलीट नहीं होता है और आपके सामने ट्राइगन का पॉपअप शो होता है, तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है कि आपको इसे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद आपको अपने टास्क बार में चले जाना है। टास्क बार में जाने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद अब आपको करना है क्या है कि आपको यहाँ पे एज का आपको यहाँ पे प्रोग्राम को आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। जैसे आपको यहाँ पे एज का प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर वो फोल्डर आपको डिलीट नहीं हो रहा होगा, जैसे वो फोल्डर जो डिलीट हुआ है मेरा, वो फोल्डर अगर बाय द वे डिलीट नहीं हो रहा आपको, तो यहाँ पे आपको एज का एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा, तो आपको उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। जैसे इनकेस जैसे मान के चलिए ये मेरा एज का ये प्रोग्राम है, जैसे ये जो पहला प्रोग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मान के चलिए माइक्रोसॉफ्ट एज का ये प्रोग्राम है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। हो सकता है आपको यहाँ पे टू या थ्री या फोर प्रोग्राम आपको और देखने को मिल जाए माइक्रोसॉफ्ट एज का, तो आपको करना क्या है कि आपको उनमें से किसी भी एक प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे उसे एंड टास्क पे क्लिक कर देना है। इन टास्क पे क्लिक करने के बाद अब आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको उस फोल्डर को वापस से ओपन करना है और यहाँ पे जो एज का जो फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा था
तो उस फोल्डर को सिलेक्ट करके आपको उसे डिलीट कर देना है, तो वो फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान के इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा वो फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी डिलीटेड है, डिलीट हो गया है। अगर इनकेस अगर आपके साथ नहीं होता है, आपका डिलीट नहीं होता है, तब आपको ऐसे करना है, ये प्रोसेस को अप्लाई करना है। और डिलीट कर देने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और यहाँ पे आपको अपने विंडोज को एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कर लेने के बाद आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को अपने यूज करना है और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा और वो ओपन भी होगा। और गाइस अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे भी बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह मैं वहां पे डालता रहता हूं जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।